एक तरफ जहां देश भर के किसानों में तीनों कृषि कानूनों के वापस होने के ऐलान के बाद खुशी मनाई जा रही है, वहीं अलीगढ़ के हिंदू महासभा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को अपने कार्यालय से हटा दिया गया है। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शगुन पांडे ने कहा, जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो को अपने कार्यालय से हटाया गया है। पूजा शकुन पांडे ने आगे कहा, ऐसे राष्ट्र नेता की फोटो कार्यालय में नहीं लगाएंगे जो अपनी बातों से पलट जाएं। आज कृषि कानून वापस लिए हैं, कल CAA, NRC व धारा 370 कानून भी वापस ले सकते हैं। हिंदू महासभा ने कहा कि सरकार काफिरों के दबाव में है। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वे घोर प्रशंसक थीं और उनके किए गए कार्यों की कायल थीं, लेकिन आज करीब एक साल बाद कृषि कानून को वापस लेना केवल राजनीति की गद्दी और चाहत में सिद्धांतों में से समझौता करना है। उन्होंने कहा कि मुझे ये उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिल्कुल नहीं थी। पूजा शगुन पांडे ने आगे कहा कि कुछ राजनीतिक व प्रशासनिक कारणों से दबाव में हो, लेकिन राजा वही है जो सिद्धांतों से समझौता न करे। उन्होंने कहा कि अगर आज उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए समझौता कर लिया है तो इसका संदेश बहुत गलत जा रहा है, इससे काफिरों के हौसले बुलंद होंगे और आने वाले समय में धारा 370 CAA NRC कानून को वापस ले सकते हैं। पूजा शकुन पांडे ने कहा कि इसी के चलते हमारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटा दिया है। इस तरह की उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी से बिल्कुल नहीं थी। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हमने उस दिन लगाई थी जब धारा 370 कश्मीर से हटाई गई थी और जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हुई थी, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, इससे लगता है कि सरकार ने आतंकियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। अब तक सरकार जिन किसानों को अलगाववादी, खालिस्तानी, गुंडे कहती थी, उनके दबाव में ये कानून वापस लिया गया है। कल को CAA, NRC और धारा 370 को भी वापस ले लिया जाएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने कहा कि अगर फिर से दिल्ली में CAA, NRC को लेकर लोग धरने पर बैठेंगे तो सरकार दबाव में ये कानून भी वापस ले लेगी। सरकार ने अपनी कथनी और करनी में अंतर किया है, इससे समूचे देश का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है, इसलिए अपने कार्यालय से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को हटा दिया गया है। और हमें ऐसे व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं है जो अपनी बातों से पलट जाए। देखिए, मेरे शब्द कड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। मैं घोर प्रशंसक थी मोदी जी की और उनके लिए कायल हो चुकी थी जब 370 वाला केस आया था और ये सब चीजें वापसी हुई थी। आज ऐसा क्या हुआ कि आपने इन बिलों को वापस लिया? इतने साल का जो आपने, लगभग 1.5 से 2 साल का ये टेन्योर जा रहा है, क्या केवल राजनीति और गद्दी के चाहत में आपने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया? मुझे ये उम्मीद मोदी जी से नहीं थी। हो सकता है कुछ राजनीतिक कारण हो, प्रशासनिक कारण हो, जो भी रहे हो, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि राजा वो जो सिद्धांतों से समझौता ना करे, और ऐसी ही उनकी पर्सनैलिटी से मुझे उम्मीद थी। पर आज उन्होंने अगर ये समझौता कर दिया तो संदेश बहुत गलत जा रहा है। उन काफिरों के लिए तो बहुत गलत है, उनके तो हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे। अब तो उन्हें भी लगेगा, हो सकता है आने वाले टाइम में जो ये 370 थी CNRC, इनको लेकर के भी सरकार बैकफुट पे है। ये जो भी किया ये बहुत गलत किया है। इस कारण से हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है उनकी तस्वीर को भी हटाया है हमारे कार्यालय से, लेकिन जो भी है ये बर्दाश्त नहीं है। हमें ये उम्मीद मोदी जी से नहीं थी। देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यालय पर माननीय प्रधानमंत्री का चित्र हमने उस दिन लगाया था जब धारा 370 हटाई गई थी, कश्मीर में शांति बहाल हुई थी, देश का हिस्सा कश्मीर जिसको हम बुलाते थे, आज वहां पर संविधान लागू हुआ था, तब हमने ये चित्र लगाया था। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सरकार आतंकियों और आतताइयों के आगे घुटने टेक रही है। क्योंकि अब तक जिन्हें सरकार कहती थी कि अलगाववादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये गुंडे हैं, ये किसान नहीं हैं, आज उनके दबाव में सरकार ने कानून वापस लिए हैं, तो कल को CAA और NRC के विरोध में तो असली गुंडे बैठ जाएंगे, आतंकी भी उनका समर्थन करेंगे, तो उनको भी वापस लेगी। 370 का भी सरकार जो है
आज तक विरोध कर रही है कि 370 हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन कल जिस तरीके से 370 के विरोध में माहौल बनाया जा रहा है, वो भी लोग भी धरने पर बैठ जाएंगे, दिल्ली का घेराव कर लेंगे, तो वो भी वापस लेंगे। इसका सरकार ने अपनी कथनी और करनी में अंतर किया है। निश्चित रूप से हमारा ही नहीं, समूचे देश का विश्वास तोड़ा है मोदी जी ने, इसलिए आज हमने ये चित्र हटाया है। हमें ऐसे व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है जो अपनी बात से पलट जाए, खासकर देश का राजनेता या राष्ट्र नेता तो ऐसा नहीं हो सकता। टाइम 24 न्यूज के लिए अलीगढ़ से अदनान खान की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।